गुजरात के अमरेली में हुई शर्मनाक घटना का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां, इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। इस घटना के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पुरुष को भेजा है महिला का आक्रमण करने के लिए, कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत है। इतना ही नहीं, गुस्साई स्मृति ईरानी ने पुलिस वालों से कहा कि जो चूड़ियां ये मुझ पर फेंक रहा है, मैं उसे बटोर कर उसकी पत्नी को उपहार के तौर में भेज दूंगी। दरअसल अमरेली जिले में एक सभा को संबोधित करने पहुंची स्मृति ईरानी पर केतन कसवाड़ा नाम के एक युवक ने चूड़ियां फेंकी, तो वहीं कर्ज माफी के जमकर नारे लगाए थे। हालांकि मामले को बिगड़ता देख पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमलावर की गिरफ्तारी से बौखलाए कांग्रेस विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया, जिसको देखते हुए आखिरकार पुलिस को आरोपी को छोड़ना पड़ा। 3 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां मोदी सरकार के केंद्र मंत्री देश भर में घूम घूम कर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, संघर्ष कर रहे किसानों का आंदोलन भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप में अगर कोई पिस रहा है तो वो है देश का अन्नदाता किसान।